देखो भाई साहब, वीडियो शुरू होने से पहले एक शेड मारना चाहूंगा, पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे टैग करना, ठीक है? तो अर्ज किया है कि पुजारा का निकनेम पूजी है। एक मिनट, मैं समझा नहीं बउआ भाई। सुनोगे तब समझोगे, ध्यान से सुनो, पुजारा का निकनेम पूजी है। पाकिस्तान वालों, सूजी है। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं रणतंत्र। वेलकम। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र। और कल जब हसन अली ने वो कैच ड्रॉप किया ना भाई साहब, मेरे मन से यही निकला कि इनको प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में कूटेंगे। क्या बात है, वाह वाह, इनको प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में कूटेंगे। आज पड़ोस में बहुत सारे टीवी फूटेंगे। बउआ भाई, खुशी से एकदम फूल गए हो, हैं? आगे बढ़ो। आगे क्यों बढ़ो, इसी बात पे एक और सुनो। हाँ, इरशाद कामिल, सॉरी, कि जब मैं मना करूं तब कुछ लाना नहीं है। एक मिनट, वापस से बोलो। जब मैं कुछ मना करूं तब कुछ लाना नहीं है। इमरान अंकिल, आपने घबराना नहीं है। बउआ भाई, ये जबरदस्ती वाला था, है कि नहीं? कोई बात नहीं, आप मैच के बारे में बताइए, क्या हुआ था शुरू से, मैं तो बीच बीच में आता रहूंगा। खैर, कल वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पूरी इंडिया की निगाहें दो चीजों पर लगी हुई थी कि क्या फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाले हमारे पड़ोसी पाकिस्तान उतरेंगे या न्यूजीलैंड के पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया। जो भी होता, देखने में मजा आने वाला था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में कभी यूएई में हारा नहीं था, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी आईसीसी नॉकआउट में पाकिस्तान के खिलाफ 100% सक्सेस रेट लेकर उतरा था। ऐसे में जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि शीशा हो या दिल हो और रिकॉर्ड हो, कभी ना कभी तो टूट जाता है। कल भी एक रिकॉर्ड टूटना ही था। मैच की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने से, और उन्होंने वही किया जो इस वर्ल्ड कप के बाद आपको रट जाना चाहिए, यानी फील्डिंग करना। पाकिस्तान वाले बैटिंग करने आए, या यूं कहें कि सामने वाली टीम की हजामत करने आए, क्योंकि उनके ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सामने वाली टीम के साथ यही तो करते हैं। दोनों ने पहले विकेट के लिए 71 जोड़े, रिजवान ने 67 तो बाबर ने 39 रन बनाए। और आपको याद दिला दे कि अपनी माई 11 सर्कल ऐप वाली टीम में हमने मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया था, और माई 11 सर्कल ऐप के अल्टीमेट टीम के हाईएस्ट स्कोरर भी मोहम्मद रिजवान ही बने हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम गेस किया था, और उनमें से एक लकी विनर को 5,000 रुपए मिले, किसको वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हेलो, फाइनल मुकाबले में भी आपको जीतने का मौका मिलेगा 5,000 रुपए। उस प्लेयर का नाम गेस करके मेरे को डीएम करना है, लेकिन उससे पहले हमको इंस्टा पे फॉलो करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है। खैर, मैच पे वापस आते हैं। पाकिस्तान की फखर जमान की 50 की वजह से ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 177 का टारगेट मिला। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोचा होगा कि मैदान में ओस है और दिल में जोश है तो टारगेट आसानी से चेस कर लेंगे, लेकिन उनके और टारगेट के बीच आकर खड़े हुए पाकिस्तान के उपकप्तान शादाब खान। शादाब की फैमिली बचपन से उनको क्रिकेट खेलने नहीं देना चाहती थी, पढ़ाई में मन लगाने को उनको बोलती थी, लेकिन शादाब ने अपने मन की सुनी, और कल पूरा पाकिस्तान उनको ये करने के लिए दुआएं दे रहा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा विकेट शादाब खान के हिस्से आया, और पाकिस्तान के हिस्से आ गई जीत की महक। ऑस्ट्रेलिया वालों को 4 ओवर में जीतने के लिए 50 चाहिए थे। यहाँ मैं आपको जरा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। साल था 2010, T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल चल रहा था। उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 3 ओवर में 48 चाहिए थे। माइकल हसी ने सईद अजमल को कूट कर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जगह दिलाई थी। माइकल हसी का यही कारनामा कल कट कॉपी पेस्ट किया मैथ्यू वेड ने, जिनका कैच टपकाना हसन अली को महंगा पड़ा। कैच छूटते ही पाकिस्तानियों का दिल टूट गया, और ड्रेसिंग रूम में हसन अली का कुछ और तोड़ा गया होगा। कैच छूटते ही अगले 3 गेंदों में 3 छक्के मार के पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक और केक कटने से बचा लिया मैथ्यू वेड ने, और ऑस्ट्रेलिया वालों को फाइनल में पहुंचा दिया। यानी 2015 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। उधर फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान के होने का प्रिडिक्शन करने वाले बेन स्टोक्स को मैं यही कहना चाहूंगा, भाई इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। लेकिन कल आप में से किसी एक ने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन खेलने से पहले उन्होंने क्या किया, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और डीएम में बताया कि दूसरे सेमीफाइनल में माई 11 सर्कल ऐप के अल्टीमेट टीम के हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर मोहम्मद रिजवान बनेंगे। तो जिन्होंने 5,000 जीते उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप लोग भी फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के अल्टीमेट टीम का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा प्लेयर ले जाएगा उसका नाम गेस करो। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना माई 11 सर्कल ऐप। मैच से पहले उस पर अपनी टीम बनाओ, खूब सारा कैश कमाने का मौका पाओ। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन An element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. बाकी हम आपसे मिलेंगे कल एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक आप जरा हमारे चैनल को हेलो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पे भी एक नजर मार लेना, और चलते चलते एक बार फिर से कहना चाहूंगा, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। Ben Stokes, sorry, see you tomorrow. जय हिंद।